हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी 8S में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल साउंड के साथ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर से नीचे को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन ढूंढ लेनी है। यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं मिलती तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको ये दिख जाएंगे ऑप्शंस। आपको जहाँ पर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिले, फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, इसे आपको लॉन्ग प्रेस करके ऊपर की ओर सेट कर देना है और ये सेट हो जाएगी। और बैक आएंगे और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देंगे रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए। यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ चुकी है रेड कलर की। इसे हम क्लिक करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देखते हैं स्टार्ट हो चुकी है और यहीं से आप इसे ऑफ कर सकते हैं रेड पर क्लिक करके, रेड आइकन पर। तो ये ऑफ हो गई। अब मैं आपको इसकी, आप देखते हैं इसकी मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों सेटिंग्स देखने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर कन्वीनियंस टूल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कन्वीनियंस टूल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देखते हैं ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करना है, मतलब इंटरनल साउंड गेमिंग के लिए, तो आपको इस वाली ऑप्शन पर, ऊपर वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऑन कर देना। अगर आपको माइक्रोफोन वाला साउंड चाहिए, मतलब एक्सटर्नल, तो आपको इसे ऑन कर देना है। और भी सेटिंग्स हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।